हिंदी दिवस के अवसर पर वाराणसी के राज्य हिंदी संस्थान में हिंदी में स्थानीय भाषा अंतः संबंध चुनौतियां संभावनाएं विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में वाराणसी के संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रदीप कुमार ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमको हिंदी को उसका वास्तविक मातृभाषा का दर्जा दिलाना है। नई शिक्षा नीति में भी सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि मातृभाषा को सर्वोपरि रखते हुए प्रारंभिक शिक्षा अपनी भाषा में प्रदान किया जाए। राज्य हिंदी संस्थान की निर्देशिका ऋचा जोशी ने कहा कि हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी के गौरव को वापस लाना हम सबका कर्तव्य है। अपने दैनिक जीवन में हिंदी को प्राथमिकता दें और आने वाली पीढ़ियों को भी हिंदी की गौरवशाली इतिहास के बारे में बताएं और उसे हिंदी बोलने की नसीहत दें ताकि हम हिंदी की गौरवशाली विरासत को बचा सकें। संस्थान लगातार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो संस्तुतियां की गई हैं उसको लेकर कार्य कर रहा है। उसी के आधार पर पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम पर कार्य किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसी को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं और कार्यशाला भी। तो आज जो हमारी विचार गोष्ठी थी उसके आयोजन का जो उद्देश्य था वो था कि जो हमारे शिक्षक हैं हम उनको और विशेषज्ञों को जो विश्वविद्यालय से हैं और हमारे संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय भी आज हमारे मुख्य अतिथि थे उनकी भी हिंदी विषय में विशेष अभिरुचि है। तो हम एक विशेषज्ञों के समूह से एक विचार लेकर और उसको फिर समेकित कर उससे एक संस्कृति जो आज की गोष्ठी में होगी उसके आधार पर हिंदी संस्थान आगे हिंदी को लेकर कैसे कार्य करना है जिससे कि बच्चों में जो हिंदी का अधिगम है वो स्थायी इसी उद्देश्य से हमने ये विचार गोष्ठी रखी है।